हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में हमें मस्ती करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, वो है ठंड की वजह से कोल्ड कॉफ फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स। अगर आपको भी सर्दी का मौसम तो पसंद है लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स पसंद नहीं है कि सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना और ड्राई कॉफ होना एक आम बात है ऐसी सूखी ठंड में, तो आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी जिससे कि आप अपनी सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको जुकाम है, खांसी है या फिर थोड़ा बहुत कोल्ड के सिम्टम्स हैं तो आप इससे घर पे ही छुटकारा पा सकते हैं घर की कुछ चीजों से। और ये जो मैं आज रेमेडी शेयर कर रही हूं ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बढ़िया से एक होम रेमेडी, जिसके लिए आपको ले लेना है एक तवा या फिर पैन और उसमें लेना है आपको आधी चम्मच के करीब अजवाइन। सबसे पहले मैं आपको छोटे बच्चों के लिए बताती हूँ, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको अगर लगता है कि सर्दी जुकाम हो गया है तो आप सिर्फ तवे पर अजवाइन को थोड़ा सा भून कर उसकी पोटली बनाकर उसको स्मेल कराएं, उनसे जो उनको सर्दी खांसी हुई होगी, कॉफ होगा, बलगम होगी, वो निकल जाएगी। क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद नहीं चटाया जाता है क्योंकि उनका स्टमक खराब होने की प्रॉब्लम होती है, तो 6 महीने के बाद तो आप फिर थोड़ा सा उनको दे भी सकते हैं लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चा है अगर आपका और उसको सर्दी खांसी हो गई है तो आप उसको अजवाइन को तवे पर भूनकर उसकी पोटली बनाकर उसको सुंघाएं या फिर उसके तकिए के पास रखें रात को दिन में सोते टाइम। बड़े लोगों के लिए आप आधी चम्मच के करीब ये अजवाइन लीजिए, साथ में आप थोड़े से काली मिर्च लीजिए जैसे कि आपने देखा मैंने तवे पर डाल दी है और ऑलरेडी मैं भून रही हूं। जो सूखे पेपरकॉर्न्स होते हैं ये वो है काली मिर्च, और इनको आपको तब तक भूनना है जब तक कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से ना आ जाए, जब तक ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट ना हो जाए। तवे पे, पैन पे, किसी भी चीज पे आप इसको भून सकते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से भूनना है। अजवाइन जो है वो आपके कॉफ को, जो जमा हुआ बलगम होगा, जमी हुई खांसी होगी या फिर सूखी खांसी होगी, उससे बहुत आराम दिलाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है तो स्टीमर में या फिर बर्तन में अजवाइन डाल के उसके पानी से आप भाप लीजिए, बच्चों को भी भाप दिला सकते हैं। छोटे बच्चों को जिनको आप दवाई नहीं देते या फिर छोटे बच्चों को जिनको शहद हम नहीं चटा सकते उनको आप भाप दिलाइए, उससे उनका जो जमा हुआ कॉफ है या फिर खांसी, जुकाम, किसी भी तरह का कोई इशू है वो ठीक हो जाएगा। और इस तरह से देखिए भूनते भूनते आपको लगेगा कि ये बिल्कुल डार्क हो जाएंगे और ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। जब ये एकदम से डार्क हो जाए तो आप तवे को बंद कर दीजिए या फिर पैन जिस पर भी आप गर्म कर रहे हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए क्योंकि आपको इसको कूटना पड़ेगा। मिक्सर में ग्राइंड करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे से माम दस्ते में आप इसको कूट लीजिए। देखिए अभी गर्म हो गया, धुआं भी उठने लग गया और तवा भी गर्म है, तो इससे ज्यादा मैं इसको नहीं करूंगी नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए मैंने कूट लिया, कूट के ये इस तरह से क्रस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जब भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी चटाना है थोड़ा सा इतना सा लीजिए आप, और इसमें आपको ऐड करना है एक और बढ़िया सी चीज जो कि हमारी सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ, सॉल्ट पाउडर जिसको हम बोलते हैं, या यानी अदरक का पाउडर, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही हैंडी चीज है, आप ये जो मैंने पाउडर में आपको भी दिखाऊंगी आप बना के रख भी सकते हैं। थोड़ा सा इसको लेना है, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब आपने वो लिया पाउडर जो हमने बनाया अजवाइन और काली मिर्च का, और 2 चुटकी के करीब ये ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए और बस आपकी दवाई बनकर तैयार है। अब आप इसको 1 साल से ऊपर के बच्चों को लेकर 60-70 साल तक के बुजुर्ग को भी दवाई दे सकते हैं अगर उनको सूखी खांसी है, बलगम है, साथ में आपको थोड़ा सा इसमें शहद डालना है और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिन लोगों को ये है कि शहद नहीं सूट करता है या फिर उनको डायबिटीज का इशू है तो आप शहद अवॉइड कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को इसी तरह से चाट सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। अब इसको 1/4 चम्मच के करीब, छोटा बच्चा है तो आप उसको 1/4 चम्मच दे दीजिए, अगर आप बड़े हैं और बड़े ले रहे हैं तो आप आधी चम्मच के करीब दिन में 2 बार इसको जरूर खाइए। ये खाने से आपकी सूखी खांसी जितनी भी है, बलगम है, कॉफ जम गया है, छाती ब्लॉक है, रनिंग नोज है, वो सब ठीक हो जाएगा, शरीर को गर्मी मिलेगी। और अगर आपने ये पाउडर बना के रखा है तो आप उतनी ही क्वांटिटी में इसमें सॉल्ट का पाउडर ऐड करके इसको रख लीजिए एक बॉक्स में भरकर, पूरी सर्दियां आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हल्का सा जुकाम खांसी शुरू हो रहा है तो आप ये देना शुरू करें दिन में 2 बार, 1-2 दिन देंगे
एकदम ठीक हो जाएगी। गला बिल्कुल जो होता है ना पक जाता है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत यूजफुल है, मैं खुद अपने बच्चों को यूज करती हूँ जो कि अभी सिर्फ 4+, उससे भी छोटे हैं। और ये देखिए इस तरह से आप बनाकर रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसको ट्राई कीजिए, इस मौसम में जरूरत पड़ती ही रहती है इन सब चीजों की। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।